आज हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं। किसी अभिक्रिया का वेग जब उसके क्रियाकारकों की सांद्रता के 2 घात के समानुपाती होता है तो उसे कहते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। माना किसी अभिक्रिया में अगर एक ही अभिकर्मक या एक ही क्रियाकारक हो तो उसकी सांद्रता के वर्ग के समानुपाती, वर्ग का मतलब होता है 2 या स्क्वायर के समानुपाती हो उसका वेग, तो अभिक्रिया होगी द्वितीय कोटि की। और अगर अभिक्रिया में 2 अभिकारक है और प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती उस अभिक्रिया का वेग हो तो वो अभिक्रिया भी कहलाएगी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अर्थात कोटि का मान 2 होना चाहिए, पहले अभिकारक की घात सांद्रता की घात 1, दूसरे अभिकारक की सांद्रता की घात 1। अब कुल कितना हुआ घातों का योग, 1 + 1 = 2, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हुई, 2। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में 2 रूप में संभव है। पहला रूप है जब समान क्रियाकारक हो ए और ए, तो देखिए दोनों की घात 1-1 है, इनसे उत्पाद बन रहा है, तो ये अभिक्रिया 1 + 1 कितनी हुई कोटि, 2। यहाँ भी एक क्रियाकारक ए की पावर 1 है, बी की पावर भी 1 है, तो 1 + 1 कितनी हुई कोटि, 2। और ये माना गया है कि ये अभिक्रिया में वेग निर्धारक पद है। हम बात करते हैं अभिक्रिया में केवल एक ही अभिकारक काम आता हो, जैसे ए ए, दोनों 2 अभिकारक होने चाहिए लेकिन अभिकारक क्या है, समान है, ए ए। और अगर 2 भिन्न अभिकारक या क्रियाकारक है, जैसे पहला क्रियाकारक ए है, दूसरा क्रियाकारक बी है, लेकिन दोनों की समान प्रारंभिक सांद्रता प्रयुक्त हो, ए की भी सांद्रता स्मॉल ए और बी की भी सांद्रता क्या होनी चाहिए, स्मॉल ए, तो टी समय बाद एक्स मोल प्रति लीटर क्रियाकारक की सांद्रता में कमी हो जाती है। इसी को कहते हैं कि टी समय में उत्पाद एक्स बन गया है, तो ये अभिक्रिया हो जाएगी। अभिक्रिया का वेग dx/dt बराबर हो गया k2 द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक है, CA बराबर k2 CA CB। अब यहाँ CA बराबर क्या है, A - x, और CB बराबर भी क्या है, A - x। दोनों की सांद्रता ही समान है, इसलिए ये हमारे पास क्या हो गया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। इसी का हम आगे डेरिवेशन करते हैं द्वितीय कोटि के लिए, तो dx/dt बराबर k2 ब्रैकेट A - x^2। ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया वेग नियम है, ये वेग नियम में सांद्रता की घात जितनी होती है वो अभिक्रिया की कोटि होती है, यहाँ 2 घात है इसलिए द्वितीय कोटि की। अब देखिए dx/dt को अवकलन बोलते हैं, इसलिए ये समीकरण क्या कहला रही है, द्वितीय कोटि की अवकलित वेग समीकरण। कौन सी समीकरण है ये, अवकलित, जहाँ k2 द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट समीकरण में इनका चरांक, चर का मतलब होता है जिनका मान बदलता रहता है। सीधी सी भाषा है कि x को एक तरफ कर लो और बाकी को एक तरफ, तो dx/(a - x^2) बराबर k2 dt। dt को इधर ले गए और इसको इधर ले गए। k2 का मान प्राप्त करने के लिए इस समीकरण का हम क्या करते हैं, समाकलन। तो इस समीकरण का हम समाकलन कर लेते हैं, इनको नंबर देते जाएंगे हम 1-2, इसके अनुसार समाकलन करें, तो समाकलन dx/(a - x^2) बराबर समाकलन k2 dt। इसका समाकलन हो गया a - x^2 का समाकलन 1/a - x, ये हो गया, आपको ध्यान रखना है, यह समाकलन करना आना चाहिए। इसके बाद k2 एक नियतांक है, k2 बाहर आ गया, और dt का समाकलन क्या होता है, t, और ये यहाँ कोई लिमिट नहीं लिखी हुई, इसलिए c समाकलन नियतांक हमारे पास आ जाता है। आगे जहाँ c समाकलन नियतांक है,
इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं हम? टी बराबर जीरो पर एक्स बराबर जीरो होगा, ये मान हम रखने हैं तो वन अपॉन ए बराबर क्या आ जाता है? सी आ जाता है। ये मान हम पूर्व समीकरण में रखें तो वन अपॉन ए माइनस एक्स बराबर के टू टी प्लस वन अपॉन ए, सी की जगह क्या रख दिया? वन अपॉन ए। अब क्या है, ए ए को एक तरफ कर लें तो के टू बराबर वन अपॉन टी वन अपॉन ए माइनस एक्स माइनस वन अपॉन ए। ये समीकरण हमारे पास हो गया द्वितीय कोटि का समाकलित वेग समीकरण। कौन सा समीकरण है? समाकलित वेग समीकरण। और इसकी सहायता से हम द्वितीय कोटि का वेग नियतांक भी निकाल सकते हैं। अब दूसरी द्वितीय कोटि के लिए हम बात करते हैं, दूसरा केस लेते हैं कि जब द्वितीय कोटि अभिक्रियाओं में दो अभिकर्मक होते हैं, हम जानते हैं, तो दो अभिकर्मक हो और उन दोनों की प्रारंभिक सांद्रताएं क्या हो? समान नहीं हो। उनकी प्रारंभिक सांद्रताएं समान नहीं हो। ए क्रियाकारक की सांद्रता स्मॉल ए है, बी क्रियाकारक की सांद्रता कितनी है? स्मॉल बी। ये प्रारंभिक सांद्रता है। माना टी समय पर ए और बी दोनों के एक्स मोल प्रति लीटर क्रिया कर जाते हैं और कम हो जाते हैं और उत्पाद में बदल जाते हैं, तो टी समय बाद ए की सांद्रता ए माइनस एक्स और बी की सांद्रता कितनी बच जाएगी? बी माइनस एक्स। तो हम बात करेंगे माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर माइनस डी बी अपॉन डी टी। अब ये माइनस क्यों लगा रखा है? पहले बता चुके हैं, क्योंकि ये क्रियाकारक है, इनकी सांद्रता घट रही है। बराबर डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ माइनस नहीं लगाया क्योंकि एक्स क्या है? उत्पाद की मात्रा। बराबर के टू सी ए सी बी, ये वेग नियम से हमने लिखा है। डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के टू ब्रैकेट ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स। अब वही बात है कि चरांक को पृथक करने पर ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स को एक्स की तरफ ले जाएंगे तो ये इधर चले गए, तो डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स ब्रैकेट बी माइनस एक्स बराबर के टू डी टी। इसको समीकरण हम दो दे देंगे, इस समीकरण नंबर बदल देंगे। समीकरण दो का क्या करना है हमको? समाकलन करने पर इसका समाकलन कर दीजिए, तो समाकलन डी एक्स ब्रैकेट ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स बराबर समाकलन के टू डी टी। लेकिन हम जानते हैं कि आंशिक भिन्न द्वारा वन अपॉन ए माइनस एक्स ब्रैकेट बी माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? वन अपॉन ए माइनस बी ब्रैकेट वन अपॉन बी माइनस एक्स माइनस वन अपॉन ए माइनस एक्स। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसको ऐसे कैसे पुट करना है। तो इस समीकरण में ये पूर्व समीकरण में ये मान रख देंगे हम, तो ये मान रखने पर क्या आ गया? वन अपॉन ए माइनस एक्स समाकलन ये आ गया के टू समाकलन डी टी। अब के टू समाकलन डी टी का मान हो जाएगा के टू टी प्लस सी, और इसका मान क्या हो गया? वन अपॉन ए माइनस बी माइनस एल एन बी माइनस एक्स, इसका मान हो गया माइनस, और ये माइनस पहले से है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस एल एन ए माइनस एक्स, जहाँ सी क्या है? समाकलन स्थिरांक। टी बराबर जीरो पर एक्स बराबर जीरो का मान रखने पर ये हो गया, जीरो रख दीजिए पूर्व समीकरण में तो क्या आ गया? माइनस वन अपॉन ए माइनस बी एल एन बी अपॉन ए बराबर सी। ये मान समीकरण हम पूर्व समीकरण में रखेंगे तो वन अपॉन ए माइनस बी माइनस एल एन बी माइनस एक्स प्लस एल एन ए माइनस एक्स के टू टी माइनस वन अपॉन ए माइनस बी एल एन बी अपॉन ए। इसका पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास के टू का मान आ जाएगा के टू टी बराबर वन अपॉन ए माइनस बी ब्रैकेट एल एन बी अपॉन ए प्लस एल एन ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स। इनका मान हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा के टू 2.303 अपॉन ए माइनस बी लॉग बी ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स। ये द्वितीय कोटि का क्या आ गया? समाकलित वेग समीकरण, जब ओ ए और बी की सांद्रता क्या हो? भिन्न भिन्न ली गई हो। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का आलेखी निरूपण, इसका मतलब है ग्राफ बनाना। द्वितीय कोटि अभिक्रिया में जब दोनों क्रियाकारक क्या हो? ए ए या समान हो क्रियाकारक, तब उसके लिए समाकलित वेग समीकरण आया था के टू बराबर वन अपॉन टी एक्स अपॉन ए ब्रैकेट ए माइनस एक्स। ये है, इससे हम सब ग्राफ खींचने वाले हैं। ग्राफ बनेगा, अलग अलग ग्राफ बनाते हैं एक्स और टी के मध्य, और तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और टी के मध्य। तो आपको पता था कि ये स्लोप है, ये के टी आ जाएगा हमारे पास
स्लोप। ग्राफ बना दीजिए, 1 अपॉन ए माइनस एक्स और टी के मध्य ग्राफ खींचेंगे तो आपका जो 1 अपॉन ए था, 1 अपॉन ए, वो क्या चला जाएगा, इंटरसेप्ट चला जाएगा और स्लोप क्या हो जाएगा, के टू। इस तरह से ये ग्राफ का निरूपण होता है। जब हम ग्राफ की बात करें, जब दोनों क्रिया कारक ए और बी अलग अलग हो, तब ये समीकरण हमको प्राप्त हुआ था टी बराबर, इससे ग्राफ खींचे किस किस के मध्य, लोग बी ब्रैकेट ए माइनस एक्स, तो ये समीकरण हो गया। देखिए ये वाई के बराबर है और ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर, वाई बराबर एम एक्स। क्या हो गया हमारे पास, y बराबर एम एक्स, तो ये इसके नीचे चला जाएगा, t के नीचे कौन चला गया, 2.303 k2 अपॉन a माइनस बी, तो ये आपका m है, ये स्लोप हो गया। इस तरह से हम इनको पढ़ते हैं। द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं, द्वितीय कोटि अभिक्रियाओं के उदाहरण की बात करें तो ओजोन का अपघटन, क्लोरीन मोनोऑक्साइड का अपघटन, नाइट्रस ऑक्साइड का अपघटन, एचसीआई का अपघटन, एसिटाइल्डिहाइड का अपघटन, ब्यूटाडाइन का द्वितीयकरण, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। द्वितीय कोटि की प्रसिद्ध अभिक्रिया है एथिल एसीटेट का साबुनीकरण, यानी क्षारीय माध्यम में इसका जल अपघटन करवाना, तो सोडियम एसीटेट और एथेनॉल बनेंगे, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ध्यान से पढ़ना है, NaOH और एथिल एसीटेट की अभिक्रिया कौन सी है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। धन्यवाद।